नमस्कार दोस्तों, कंसाइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल क्लास 8 का जो यह मैथ्स का टेक्स्ट बुक है, यह हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे सिलेबस देखा था, जिसमें 6 थीम्स में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट थीम नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, फिर उसके बाद मेंसुरेशन और डेटा हैंडलिंग। तो इसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम थीम में हमने रैशनल नंबर्स यह चैप्टर शुरू किया था, जिसमें नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन, जिसमें रैशनल नंबर्स पी बाय क्यू इस फॉर्म में होते हैं, पी इंटीजर, क्यू इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। फिर यहाँ पे पी को न्यूमरेटर, क्यू को डिनोमिनेटर, पी को न्यूमरेटर, क्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और नेगेटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम होता है, नेगेटिव रैशनल नंबर्स में दोनों का साइन डिफरेंट होता है। फिर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, फिर जो इक्विवेलेंट होते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म जो है रैशनल नंबर का, स्टैंडर्ड फॉर्म इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया है, जिसमें डिनोमिनेटर का साइन पॉजिटिव होना चाहिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी और नहीं होना चाहिए, या फिर डिवाइजर भी हम कह सकते हैं, दोनों का डिवाइजर या फैक्टर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए होल्ड होती है, या फिर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज क्लोज्ड, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो है, उसके बारे में हमने देखा था कि एडिशन ऑफ एनी टू रैशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव, तो दो नंबर जो होते हैं उनको ऑर्डर चेंज करके अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों समय जो एडिशन हमें मिल जाती है वो सेम होती है। फिर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, जहाँ तीन नंबर्स होते हैं और हम सिर्फ ब्रैकेट चेंज करके, हम एडिशन करके दोनों समय अगर हम रिज़ल्ट फाइंड करते हैं तो दोनों समय का जो रिज़ल्ट होता है वो सेम ही होता है, इक्वल होता है, तो यह एडिशन के लिए सेटिस्फाई होता है। तो इसका मतलब एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज एसोसिएटिव, ऐसा हम कह सकते हैं, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज एसोसिएटिव। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने यह जो एग्जांपल है ब्रैकेट चेंज करके एडिशन, यह एग्जांपल हमने इससे पहले जो वीडियो हुआ था उसमें हमने डिस्कस किया है, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब जो आज हमें पॉइंट डिस्कस करना है वो है नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है और यह एडिटिव क्यों कहा गया है, एडिटिव एडिशन के लिए कहा गया है, और आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि कोई नंबर एडिशन करने के बाद, मतलब जैसे कि -3/5 है, तो -3/5 किस नंबर के साथ एडिशन करने के बाद -3/5 ही आंसर आएगा, तो वो नंबर है 0, और 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है। क्यों 0 होती है? क्योंकि
जीरो में कोई भी रैशनल नंबर्स अगर हम ऐड करते हैं, जैसे कि सपोज 0 + 3/5, तो ये 3/5 ही आएगा, और 3/5 + 0 अगर है तो भी यहाँ पे 3/5 ही हमें मिल जाएगा। तो जीरो इज यहाँ पे लेफ्ट आइडेंटिटी है और यहाँ पे राइट आइडेंटिटी, क्योंकि जीरो को राइट साइड में प्लेस किया गया है और यहाँ पे जीरो को लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे जीरो इज लेफ्ट आइडेंटिटी और यहाँ पे जीरो इज राइट आइडेंटिटी, और आंसर हमें सेम मिलेगा। जिस नंबर में हम जीरो प्लस कर रहे हैं वही नंबर हमें आंसर मिल जाएगा। तो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। अगर हम मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के बारे में बात करें, तो 3/5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 3/5 ही मिलेगा, तो यहाँ का जो नंबर होगा वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होगा और वो होगा 1। 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 3/5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3/5 ही मिलेगा, तो इसलिए 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एडिशन की अभी बात करनी है, तो इसलिए एडिशन के लिए जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, देखिए 0 + -3/5 इक्वल टू -3/5 + 0 इक्वल टू, दोनों समय हमें -3/5 ही मिलेगा। यहाँ पे निगेटिव नंबर हमने ऐड किया है, अब जीरो में अगर पॉजिटिव नंबर हम ऐड करते हैं तो भी हमें वही नंबर आंसर के रूप में मिल जाएगा। 0 + 7/8 इक्वल टू 7/8 + 0 इज इक्वल टू 7/8 ही हमें मिलेगा, तो इसीलिए जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे 7/8 यह नंबर है, वैसे यहाँ पे कोई भी रैशनल नंबर अगर हम लेते हैं और जीरो में हम प्लस करते हैं तो वही रैशनल नंबर हमें आंसर के फॉर्म में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। एडिटिव इनवर्स, और जो हमने पहले डिस्कस किया था एडिटिव आइडेंटिटी। अब इनवर्स क्या होता है कि सपोज 3/5 यह नंबर है, अब 3/5 में कौन सा नंबर ऐड करने के बाद हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगा, या फिर एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिलेगा। तो 3/5 में -3/5 अगर हम ऐड करते हैं तो हमें जीरो एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स में सिर्फ यही ध्यान रखना है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव आएगा, अगर नंबर नेगेटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे 3/5 देखिए पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स -3/5, और -5/8 निगेटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स +5/8। तो -5/8 और +5/8, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज -5/8 और +5/8 अगर हम इनके एडिशन करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम -5 + 5, तो ये जीरो होगा, 0/8 जीरो ही होगा, तो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो अगर हमें रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी मिल रहा है एडिशन करने के बाद, तो यह जो नंबर है -5/8 यह +5/8 का एडिटिव इनवर्स होगा, और यह +5/8 -5/8 का एडिटिव इनवर्स होगा, तो यह दोनों नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। अब यहाँ पे देखिए एनी रैशनल नंबर प्लस इट्स एडिटिव इनवर्स इक्वल टू जीरो, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। अगर कोई नंबर या रैशनल नंबर उसका एडिटिव इनवर्स यह दोनों हम ऐड करते हैं तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी रिजल्ट मिलता है, या फिर रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी हमें मिलना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे 3/5 + -3/5,
इंटू माइनस, यहाँ पे साइन माइनस हो जाएगा तो 3/5 माइनस 3/5 जीरो होगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो 5/8 माइनस 5/8 कैंसिलेशन होगा, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैंसिल हो रहे हैं तो आंसर हमें जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल, यहाँ पे भी एक एग्जांपल, ये निगेटिव रैशनल नंबर है, क्यों है इसको हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन अगर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो यह निगेटिव रैशनल नंबर होगा। तो ये निगेटिव रैशनल नंबर प्लस पॉजिटिव, अगर वही नंबर एक बार निगेटिव एक बार पॉजिटिव ऐड हो रहा है तो उनके एडिशन जीरो आएगी। तो 8/15 माइनस 8/15 इनके एडिशन जीरो आएगी, एंड सो ऑन। अब इसके बाद हमें एडिशन के लिए और कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो ऐड ईच पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स। तो एडिशन के जो एग्जांपल्स हैं वो हम यहाँ पे अभी आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हैं उन एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे, या फिर हम डायरेक्टली अब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करेंगे, तो भी यहाँ से हमें सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो एग्जांपल्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं वो तो आपको समझ में आ ही जाएंगे टेक्स्ट बुक में देखने के बाद। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1A। अब देखिए यहाँ पे ऐड ईच पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स गिवन बिलो एंड शो दैट देयर एडिशन इज आल्सो अ रैशनल नंबर। यहाँ पे हमें दो दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, उनकी हमें एडिशन करनी है, और एडिशन के बाद जो आने वाला रिजल्ट है, सम है, वो भी रैशनल नंबर ही है, ये हमें यहाँ पे शो करना है, प्रूव करना है। तो चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। -5/8 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, -5/8 एंड 3/8 इनको हमें ऐड करना है, तो +3/8। तो जब भी फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर्स की एडिशन हो तब डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स सेम है, इक्वल है, तो डिनोमिनेटर हमें एज इट इज़ लिखना है 8, 8, 8, और न्यूमरेटर में जो भी नंबर्स हैं उनके साइन के साथ हमें यहाँ पे लिखने हैं, तो -5 +3। अब 3 का भी साइन प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, तो -5 +3। अब यहाँ पे जो एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगा उसके लिए रूल है। अब ये क्या रूल है, देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल अलग हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनके रूल अलग हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल अलग हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमें दो स्टेटमेंट याद रखने हैं, अगर सेम साइन है तो हमें एडिशन करनी है, और दो नंबर्स का साइन डिफरेंट है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है। डिफरेंट साइन होगा तो सब्ट्रैक्शन, सेम साइन होगा तो एडिशन, और जो रिजल्ट होगा रिजल्ट को ग्रेटर नंबर का साइन लिखना है। ये रूल है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पे देखिए 5 और 3 दोनों का साइन अलग अलग है, अलग अलग है माइनस और प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है इनमें, तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल यूज करेंगे। तो -5 +5 डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन करना है, तो ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस करना है, 5 -3 2, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस हमें यहाँ पे लिखना है, डिवाइडेड बाय 8, -2/8। 2 और 8 इन दोनों को 2 से डिवाइड होगा, तो 2 1 2, 2 4 8,
तो जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा -1/4। तो इसका जो आंसर है इक्वल टू हम -1/4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, -8/13। एंड के लिए हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इन दोनों को ऐड करिए, ऐसा यह क्वेश्चन है। तो यहाँ हमें ऐड एंड के बदले प्लस का साइन लेना है और यह -4/13 इक्वल टू, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम ही है, 13 13 डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है, -8 यहाँ पे लिखिए और प्लस इंटू माइनस, दो साइन एक साथ आए तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज करना है। अब देखिए साइन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन के लिए जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस यह भी प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू प्लस माइनस, तो इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस इंटू माइनस यहाँ पे हमें लिखना है माइनस, और ये 4, तो -8 -4 यहाँ पे हो जाएगा -12/13। अब यहाँ पे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है और दोनों नंबर का साइन सेम है, 8 का नेगेटिव 4 का भी नेगेटिव सेम साइन है, तो एडिशन और ग्रेटर नंबर का साइन, तो 8 प्लस 4 12, 8 और 4 में 8 ग्रेटर है तो 8 का साइन माइनस, -12/13। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो 5/-26 प्लस 8/39। अब देखिए यहाँ पे 26 और 39 इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए हमें जो मेथड यूज़ करनी है वो मेथड, एक तो कॉमन डिवीजन या फिर फैक्टराइजेशन मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। 26 और 36, तो दोनों नंबर को 13 से डिवाइड होगा, 13 2 जा 13, यहाँ पे 39 दिया गया है सॉरी, तो हमें यहाँ पे 39, 13 3 जा 39। अब 2 और 3 को कोई भी नंबर से यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा 1 के अलावा, तो इसलिए हमें इन सब का मल्टीप्लाई करना है, 13 2 और 13, तो 13 × 2 × 3, तो 2 × 3 6, 13 6 जा 78, तो 78 हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे 39 और इन दोनों का एलसीएम 78। अब यह स्टेप जो है, इस स्टेप से पहले अब देखिए +5/-26 है, जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डिनोमिनेटर का साइन पॉजिटिव हो, इसका मतलब जो रैशनल नंबर्स हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, यह हमें ध्यान रखना है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट साइन है, तो ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर का साइन नेगेटिव होगा, डिनोमिनेटर का पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद 26 3 जा 78 होगा, तो 3 × -5 -15 प्लस 39 2 जा 78, तो 8 2 जा 16। अब -15 प्लस 16, यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल, और उसके हिसाब से डिफरेंट साइन तो सब्ट्रैक्शन, 16 - 15 1,
ग्रेटर नंबर का साइन 16 ग्रेटर है तो प्लस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 78, तो 1/78 यहाँ पे आंसर होगा। और इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें अभी और एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, बाकी के आप अभी सॉल्व कर सकते हैं। तो यह जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए, थैंक यू।